हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फुल लंबे बालों की कटिंग कैसे करें। तो फुल लेयर हेयर कट बताया है लंबे बालों में। अगर आपके भी लंबे बाल हैं, आप उसको शॉर्ट नहीं करना चाहते और स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की हेयर कटिंग कर सकते हैं। इससे पहले एक और बात बतानी है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पे मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियो डालती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो तो मेरे उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल का नेम है और मेरा इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। वहाँ पर मैं अपनी पिक्स और शॉर्ट वीडियो क्लिप्स की वीडियो डालते रहती हूँ, तो वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो लंबे बालों की कटिंग, फुल लेयर हेयर कट और लॉन्ग हेयर कट कैसे करें, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आप लोगों को। और फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे हेयर मैंने, इतनी लेंथ इनकी कट हुई थी, जो कि बैक से तो इतना ज़्यादा नहीं कट हुआ था, बट आप देख लीजिए पूरा वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मैम फ्रंट से आप कटिंग सीट क्यों नहीं लगाते हो, तो मैं फ्रंट से कटिंग सीट इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मुझे बैक से हेयर कट करना होता है। आज फ्रंट से हेयर कट करना है, इसलिए मैं फ्रंट से कटिंग सीट लगा ले रही हूँ। और फिर कटिंग सीट लगा के और आप लोग को बताती हूँ कि कैसे हेयर कट करना है। तो इनको चाहिए फुल लेयर हेयर कट, तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बालों को पीछे की तरफ ला दूँगी, सारे बालों को बैक साइड में कर लूँगी। और बैक साइड में करने के बाद से इनके सारे बालों को अच्छे से गीला कर लूँगी। ओके, जब पूरे बाल अच्छे से गीले हो जाएंगे तो उसके बाद से, बालों को गीला करने के बाद अच्छे से कॉम करके सारी टैंगल्स, उलझने वगैरह सुलझा लेंगे। तो लेंथ कितनी छोटी करनी है वो आप देख लीजिएगा लेंथ पूरा वीडियो देखने के बाद से। बालों का मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा था इनके बालों का। तो गीला कर लिया मैंने बालों को, अब बीच से पार्टिंग कर लेंगे, मिडिल पार्टिंग कर लेंगे पूरे बालों की। मिडिल पार्टिंग करने के बाद से ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ मिडिल पार्टिंग इनके बालों की। तो ये देखिए मिडिल पार्टिंग मैंने कर लिया है। अब एक साइड के बालों को आगे की तरफ कर देंगे और एक साइड के बालों को पीछे की तरफ कर देंगे। तो उस साइड के बालों को मैंने आगे कर दिया है और इधर के बालों को पीछे की तरफ कर दिया, और अभी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ से फ्रंट से मैं इनके हेयर को लूँगी। पहले से मैंने इनकी बैंग्स कट की थी और उसी के अकॉर्डिंग सारे लेयर्स कट करने हैं। तो थोड़ा सा ईयर टू ईयर पार्टिंग करके इस तरीके से फ्रंट की, मतलब आपके जो आपकी नाक होती है नोज के एकदम सामने, हेयर को इस तरीके से लेके आएंगे और फिंगर में पकड़ेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उसको काट देंगे। जो इनका बैंग से हेयर कट था उसके ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा इन यहाँ पर लेयर देने वाली हूँ। तो इस तरीके से पकड़ा है और एकदम नाक के सामने ले जाके बालों को और इस तरीके से कट कर देंगे। ओके, और फिर थोड़ी थोड़ी लेयर्स लेंगे। फिर से मैंने थोड़ी सी लेयर ली और कैसे कॉम करना है, कैसे लेके जा रही हूँ फ्रंट की साइड, वैसे देखिए ध्यान से, तभी परफेक्ट कटिंग आएगा। तो इस तरीके से मैंने इनके बालों को पकड़ा है। अब फिर से पूरे बालों को कॉम करते हुए एकदम नाक के सामने लेके जाएंगे। ओके, और जो हेयर निकल रहे हैं वो हमारी गाइडलाइन है, वो निकलने के बाद ही जैसे ही हेयर निकलता है नीचे, वहाँ से आपको हेयर को कट कर देना है। ओके, आप देख सकते हो कितनी लंबी लंबी लेंथ निकल रही है। फिर से थोड़ी सी लेयर लेंगे और इन सारे बालों को इस तरीके से कॉम करेंगे, फ्रंट के साइड में लेके जाएंगे एकदम नाक के सामने। ओके, और जो हमारा हेयर कट गया है वो जैसे ही निकलेगा, जैसे फिंगर में से निकल जाएगा बाहर, उसके बाद इसको कट कर देना है जो आपने फिंगर में हेयर पकड़े हैं। इससे आपकी लेंथ कम नहीं होती है, बट लेयर आ जाता है। जैसे देखने में तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेयर निकल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका लेंथ फ्रंट से तो छोटा होगा, बैक से आपका आप जो चाहोगे वही लेंथ रहेगा, बट स्टाइल सा आ जाता है, लाइट वी शेप में आ जाता है, डीप यू में आ जाता है, और बहुत ही जैसे आप क्लच करते हो, पोनी बनाते हो, तो बहुत ही स्टाइलिश सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और आपकी लेंथ भी उतनी ज़्यादा नहीं जाती है। तो फ्रंट साइड, और फिर थोड़े से लेयर लिए हमने और एकदम नाक के सामने लेके जाएंगे, और जो हमारा
हेयर था कटा हुआ पहले से, वो जैसे ही निकलेगा वहाँ से आपको हेयर को कट कर देना है। ऐसे ही करते करते पूरे मतलब जितने हैं आपके हेयर उन सब का थोड़ा थोड़ा लेयर लेंगे, सामने की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे इस तरीके से, एकदम नाक के सामने लेके जाएंगे। ओके, इस तरीके से कॉम करेंगे, इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है जो आपने हेयर कट किया, जैसे ही वो निकलेंगे वह वहाँ से आपको हेयर को कट कर देना। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं पीछे के हेयर लेते जा रही हूँ वैसे वैसे इनकी जो हेयर लेंथ है वो कम कटते जा रही है। अब इसमें से भी दो पार्ट कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा हेयर एक साथ नहीं लेके जाना है, पतला पतला सेक्शन लेना है और पतली पतली लेयर्स लेनी है, नोज के सामने एकदम कॉम करके लेके जाना है और इस तरीके से सामने एकदम ले जाके, जैसे ही आपका कटा हुआ हेयर बाहर निकलता है वहाँ से आपको हेयर को कट कर देना है। ओके, और अभी फिर से जितने हेयर हैं उसको सामने की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे और एकदम नोच के सामने। आप देखिए कितना कम लेंथ इनका निकला है, बिल्कुल मतलब 2 से 3 इंच तक ही लेंथ निकला होगा, ज़्यादा लेंथ मैंने इनकी नहीं निकाली है, इनको लेंथ ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी थी। हाँ, फ्रंट से छोटे हुए हैं लेकिन वो स्टाइलिश लगते हैं, वो आप कट कर जा सकते हो। अगर आपको लेंथ भी कम नहीं करनी और आपको स्टाइलिश सा लुक चाहिए तो आप ये वाला हेयर कट कराओगे, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत अच्छी सी कटिंग आ गई ये देखो। तो चलिए सेकेंड साइड भी, मतलब दूसरे साइड भी ये देखिए कितना अच्छा सा कट आया है, दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से कट करना है। तो उसके लिए पहले मैं इनको इधर से घुमा देती हूँ। ओके, देखिए कितना प्यारा सा कट आया है, पूरे बालों में लेयर अच्छी सी दिख रही है, वाओ। अब इस साइड के हेयर को बैक साइड में कर देंगे, नहीं नहीं उस साइड के हेयर को आगे ही रहने देंगे। इधर से घूमना था इनको तो पहले मैं इस साइड से घुमा दूंगी ताकि कट करने में हमको दिक्कत ना हो। ओके, और उधर के हेयर का जो हमने कट किया था वो इनके सामने ला देंगे और इस साइड के हेयर को बैक साइड में कर देंगे। ओके, और फिर इधर के हेयर को कैसे कट करना है वो भी देख लीजिए। फिर से मैंने गीला कर लिया क्योंकि थोड़ा सूख गया था इनके बाल और गीले में ही बहुत अच्छी कटिंग आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके बैंक्स कट पहले से ही हैं, फ्लिक्स कट पहले से करे हुए हैं, तो उसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इधर के भी हेयर को आपको लेयर देना है पूरा। वैसे ही सामने एकदम नोज के सामने एकदम हेयर को लेके जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। ओके, तो ये कट कर दिया मैंने, फिर से थोड़ी पतली पतली लेयर्स लेंगे। और हाँ गाइज, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो आपको अगर व्लॉगिंग वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो मेरा तो आप उस पर जाके मुझे सब्सक्राइब कर लेना, तो वहाँ पे मैं अपनी व्लॉगिंग वीडियोस डालते रहती हूँ, वहाँ पे जो मुझे अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें डालते रहती हूँ, कभी कभी गाना गा के, कभी व्लॉगिंग वीडियो, कभी कहीं घूमने गए हैं, ये सारी वीडियो मैंने शॉपिंग क्या की है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ जाके सपोर्ट कर लीजिएगा वहाँ पर भी मुझे। और इंस्टा आईडी है मेरी प्रीत तिवारी 24, तो प्लीज़ इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं अपनी पिक्स और वीडियोज़ शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा लेंथ निकला है इनका, ओ माई गॉड। तो चलिए पूरे हेयर्स को ऐसे ही पतली पतली लेयर्स लेनी है और कट कर देना है। मैंने अपने बेटे का भी हेयर कट किया था, बॉय कट के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, तो मैंने अपने बेटे का बॉय कट किया था, तो वो भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हेयर को लिया है, फ्रंट साइड में कॉम करके लेके जाएंगे, सेम प्रोसेस है, जैसे जैसे मैंने कट किया था वैसे वैसे आपको, जैसे जैसे मैंने उस साइड में कट किया था सेम उसी तरीके से आपको इधर भी कट करना है। और बहुत सारी हेयर कट की वीडियो, 200-250 हेयर कट की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, हर टाइप्स की हेयर कट की वीडियो है, लॉन्ग टू शॉर्ट, बॉब हेयर कट, ब्लंट हेयर कट, लॉन्ग हेयर कट, प्लेयर, स्ट्रेट, थ्री स्टेप, यू, डीप यू,
लाइट यू, हर टाइप की वीडियोज मिल जाएंगी आपको, तो आप जाके देख लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और ब्यूटी पार्लर का काम भी मैं डेली सिखा रही हूँ, सुबह 9:30 बजे मैं लाइव आती हूँ और आप लोग को पार्लर का काम सिखाती हूँ। तो सुबह 9:30 बजे ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें, हेयर केयर टिप्स, वाइट हेयर, हेयर हाईलाइट टिप्स, और हेयर को कैसे कलर करना चाहिए, कैसे सही तरीका था। इससे पहले मैंने एक ब्लीच से बालों को हाईलाइट कैसे करें अभी 1-2 दिन पहले अपलोड किया, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मेकअप की वीडियो, फेशियल में प्रेशर पॉइंट क्या होता है, फेशियल कैसे करते हैं, फेशियल पार्ट 1 पार्ट 2 में करके मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा प्लीज़। और कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं सोच रही हूँ अपने व्लॉगिंग वीडियो के साथ साथ अपलोड करूँ, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि एक ही चैनल में सारी वीडियो डालने पे सब्सक्राइबर्स मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या सिखाती है मैम। तो इसमें मैं सोच रही हूँ सिर्फ पार्लर का काम रहे, स्किन केयर, हेयर केयर, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी, और कटिंग स्टिचिंग और ब्लॉगिंग की वीडियो आपको मेरे उस चैनल पर मिलेंगी, मतलब ब्लॉग के अंदर ही आपको कटिंग स्टिचिंग की भी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये हो गया, सामने से इस तरीके से कॉम करके लेके जाएंगे और एकदम नाक के सामने ले जाके जो हेयर आपके कट गए वो निकलेंगे, और उसके बाद से एक्स्ट्रा हेयर को यहाँ पे कट कर देना है। तो ये पूरे हेयर कट हो गए हैं, और फ्रंट से मैं इनका लुक दिखाती हूँ आप लोग को कि कैसा लुक आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। बैक में ले जाके जो आपको फिनिशिंग देनी है वो आप दे दोगे, अदरवाइज ऐसे भी बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है, बट मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी कि थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए था। बैक से थोड़ा नीचे का जो होता है उसको स्ट्रेट लुक देना चाहिए, स्ट्रेट देने से क्या होता है कि पूंछ सी नहीं बनती है और आपके बाल थोड़े वॉल्यूम अच्छी दिखती है। ओके, इन सब बालों में, इन सब हेयर कट में क्या होता है कि नीचे से पूंछ जैसी हो जाती है, तो उसको आप स्ट्रेट कट कर दो, 1-2 इंच तक निकाल दो तो वो अच्छा दिखेगा। और आप ओपन रखो, पोनी बनाओ, हाई बन बनाओ, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसमें। ये देखिए कितना प्यारा सा लेयर कट आया है यहाँ पर। ओके, और ये बैक से लुक था, तो बैक से इनका थोड़ा सा फिनिशिंग देना, देने की ज़रूरत थी, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट कर दूँगी थोड़ा सा इनके हेयर को, और मैं इनके बालों में क्लच वगैरह करके दिखाती हूँ कैसा कैसा लुक आने वाला है। ओके, तो ये कट हो गया। वाओ, आपको कैसी लग रही है कटिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे तो बहुत प्यारी लगी और जिनका कट किया था उनको भी बहुत प्यारी लगी। वाओ, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइज, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, व्लॉगिंग चैनल पे इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी पे भी मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज और भी अच्छे से कोशिश करूँगी कि और अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ और अच्छे से मेहनत करूँ ताकि आप लोग को हेल्पफुल वीडियोज देखने को मिल पाएँ। व्लॉगिंग चैनल पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि और बहुत सारे टिप्स वगैरह मिलेंगे, तो वो भी देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है, और मैंने इनकी जो हेयर कट की थी ना उसको हाथों में लेके इस तरीके से वीडियो लिया था, तो वो भी मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ। तो कैसी लगी हेयर कट आप लोग को, ये देखिए ये मैंने हाथों में लिया था इनका हेयर, माय गॉड अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। आई होप आप लोग इनके हेयर का कटिंग अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और हाँ, मैं सुबह रोज़ सुबह 9:30 बजे लाइव आती हूँ, तो जरूर ज्वाइन कीजिए और ब्यूटी पार्लर का काम सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी सपोर्ट करते रहिए।